हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपके मैं कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ कि क्या हमें आरडी शर्मा लेटेस्ट एडिशन लेना चाहिए या फिर हम ऑल एडिशन से भी अपना काम चला सकते हैं। पहले बात करते हैं ऑल एडिशन। यहाँ पर मैं आपको 2021 एडिशन का बुक दिखा रहा हूँ, बट आपके पास 2020 एडिशन भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है। तो नए एडिशन और इसमें क्या फर्क है? जो आपका 22 एडिशन से जो पहले बुक्स आई है उसमें आपकी सिर्फ सिंगल बुक होती थी और अगर आप साइज देखोगे तो इतना मोटा होता था, और इस बुक में आपके सारे क्वेश्चन होते थे जो आपके नए एडिशन में है, बट इसमें आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके प्रेजेंट होंगे और फिंगर ब्लैंक्स आपके प्रेजेंट होंगे। इसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और आपके एसेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं होते। बट अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो इस बुक में आपके ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एज कम्पेयर टू न्यू एडिशन बुक, बिकॉज न्यू एडिशन बुक में आपके जो एक्स्ट्रा सिलेबस था तो आपका रिमूव हो गया, वो तो हट गया, साथ के साथ जो आपके पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी कम कर दिए गए जो आपको करने चाहिए थे। तो मतलब पुराने एडिशन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और बट इसमें आपका कमी क्या है, आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। और प्राइस की बात करूं तो प्राइस आपका पहले वाला कम था। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर आपकी दो बुक प्रेजेंट है, एक आपकी है सब्जेक्टिव, एक आपकी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पहले आपकी नहीं आती थी, पहले आपकी एक ही बुक होती थी, पर आपकी दो बुक बन गई है। इस बुक में आपको मिलने वाले एमसीक्यू, असेसमेंट बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बट अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपके कम कर दिए गए हैं। इसमें आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वही आपके क्वेश्चन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सिलेबस आपका डिलीट कर दिया गया जो आपको पुराने एडिशन मिलेगा। बट जो आपको करना है वो बोले नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस बुक में ज्यादा मिलेंगे बट इस बुक में आपको कम मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दिया है कि अगर आप पुराना एडिशन भी ले रहे हो तो वो आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको ज्यादा मिलेंगे, बस आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। बट उसका भी आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, वो आप क्वेश्चन बैंक या फिर अदर बुक से कर सकते हो। बट अगर आपके बजट नहीं है और अगर आप पुराना एडिशन ले रहे हो तो उसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जो आपको इस बुक में नहीं मिलने वाले। तो आपकी कंफ्यूजन दूर कर दिए, अगर आपको लेटेस्ट एडिशन लेना लेटेस्ट एडिशन लीजिए, पर अगर आपका बजट नहीं बन रहा तो आप पुराना एडिशन लेकर भी काम चला सकते हो। तो ये एक मेरी तरफ से ओपनिंग है आप सबके लिए, अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी बुक लेनी है, पुराना या फिर नया एडिशन। बट अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए तो देन गो फॉर ऑल एडिशन, बट अगर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो देन गो फॉर लेटेस्ट एडिशन बुक। आप 2024 एडिशन भी ले सकते हो, 23 भी ले सकते हो, 22 भी ले सकते हो, बिकॉज तीनों में आपके दो बुक्स आती थी। बट यहाँ पर आपको बताया तो जो 22-23 एडिशन है उसमें आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपका एक्स्ट्रा टॉपिक भी है जो डिलीट नहीं किया गया। बट जो आपका 2024 का बुक का एडिशन है इसमें आपका जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे वो आपके डिलीट कर दिए गए, तो इस करके ये फर्क है आपका 2022-23 और 2024 में। बाकी अगर आप 22 से पहले वाली बुक लोगे तो आपको सिंगल बुक मिलने वाली है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुरानी एडिशन का डाल रखा है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है अगर आप उसको कंपेयर करोगे अपने न्यू एडिशन से। तो ये एक मेरी तरफ से एक फीडबैक था आप सबके लिए समझाने के लिए। आई होप आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अब आप कौन सी बुक लेना चाहते हो। अगर आपका पुराना एडिशन लेना पुराना लीजिए, नया लेना नया लीजिए, ये आपके ऊपर चॉइस है। बाकी हमारे चैनल पर आपको आरडी शर्मा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने आरडी शर्मा के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर ले।